डबल बैग है, फ्राइडे मार्केट में भी मिलता है। हम आ चुके हैं हो ची मिन सिटी वियतनाम, और हम यहाँ पे एयरपोर्ट पे खड़े हुए हैं। पता नहीं क्यों इतनी देर से खड़े हुए, क्योंकि हमारी फ्लाइट भी डिले हो गई थी डेढ़ घंटा। और हाँ, आते यहाँ पे सिम भी लेनी थी, पैसे भी एक्सचेंज कराने थे। यहाँ के पैसे कुछ ज्यादा ही लगते हैं, 300 गुना ज्यादा लगते हैं जितने भी पैसे निकलवाओगे। एक ऐप डाउनलोड करी है ग्रैब करके, जैसे हमारे यहाँ उबर होती है, वहाँ यहाँ पे ग्रैब है, ताकि हम सस्ती वाली कैब बुक कर सके। टैक्सी बाइक भी बुक कर सकते हैं, लेकिन बाइक में हमारा ये सामान नहीं आएगा, है ना, ये वाला सामान भी नहीं आएगा। ये मौसम तो बहुत ही अच्छा है वैसे अभी। हाँ, मौसम बढ़िया है, और देखते हैं वियतनाम सोयाबीन कपल के नजरिए से। वियतनाम वही रहेगा, बकवास थोड़ी ज्यादा होएगी, तो रेडी रहिए। चलिए चलिए। तो हो चुकी है हमारी कैब बुक 1.5 लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए की नहीं, वियतनामीज डोंग्स की। तो चलो कैब आ जा, आ भी रही है यहाँ पे। ढिंचिक ढिंचिक, इतनी गंदी फोटो ली है ना इन्होंने मेरी, दिखा नहीं सकता मैं। गर्मी तो है यहाँ पे थोड़ी सी, बट ठीक है, मौसम वैसे अच्छा हो रखा है। दिल्ली से तो बहुत बढ़िया है, वही तो कहा। तो यहाँ एयरपोर्ट से सब कुछ पास में ही है, हमारा होटल भी कुछ 15 मिनट की दूरी पे है, और हमने होटल भी कल परसों ही कराया है। हमें पता ही नहीं था कौन सा होटल कराना है, बट वो छोटा सा ठीक ठाक अच्छा होटल है, मतलब मेरे को अच्छा लगा। और सोनिया तेरे को कैसा लगा? अभी मैंने देखा ही नहीं, तो मैं कैसे बताऊँ, ये क्या बात हुई। हम आ गए हैं अपने होटल के पास। हमारी किस्मत देखो, हमें होटल कहाँ मिला है, होटल मिला है हमें बिल्कुल ऐसी जगह पे जहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन चल रही है, इसलिए हमें थोड़ा सा दूर छोड़ा भैया ने। तो आओ होटल तक चलते हैं पैदल पैदल। हमारे बैग का तो सिर्फ टेस्ट होता रहता है, ये बैग पता नहीं कहाँ कहाँ गिरता पड़ता रहता है बेचारा। हमारा होटल भी ऐसी जगह बिल्कुल गली में जा गया, वैसे जगह खुली खुली है, लेकिन हमारा होटल ही बिल्कुल ऐसी जगह पे। हाँ वो गलियाँ आ गई, पहले देख लेते हैं। देखो हमेशा की तरह यही होता है हमारे साथ, हमें होटल तो मिलेगा नहीं, मतलब रूम तो मिलेगा नहीं, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, नहीं तो फिर कुछ खाने चलेंगे, यही हो सकता है। इतनी प्रिटी प्यारी सी गली है ये, खाना भी मिल रहा है, मेरे को खाना है यार, इट्स सो क्यूट, प्रॉपर वाइब। हमारा बैग पीछे रह गया, बट ये कितना सुंदर लग रहा है यार, ओरिजिनल डेकोरेशन है। आर यू सीरियस? उगा रखे डेकोरेशन ऐसे गली में जाके, इतनी मस्त चीज निकली है। आई एम इम्प्रेस्ड यश भारद्वाज, अंदर जाके देखते। देखा, मैं ऐसे ही नहीं सिलेक्ट करता, बहुत सारी रिसर्च करके सिलेक्ट करता हूँ होटल। सोनिया को हमें नीचे छोड़ना पड़ा, क्योंकि सामान नीचे रह सकता है, सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे, एक बार पता कर लेते रूम मिल भी रहे या नहीं। सो व्हाट्स योर नेम? यश भारद्वाज। बालकनी ना, पूरा टेरेस है, क्यूट। बिल्कुल हम मार्केट के बीच में, बट ये लोकल एरिया के बीच में भी है, हम काइंड ऑफ लाइक सब कुछ मिक्स है। बस ये देखना हम घूमेंगे कैसे यहाँ पे एरिया में, क्योंकि मुझे लग रहा है स्कूटी चाहिए हमें यहाँ पे, लेकिन देखते हैं कहाँ से मिलेगी कैसे मिलेगी, कोई आइडिया नहीं है इस बार, बिल्कुल ही हम एक्सप्लोरर, डोरा दी एक्सप्लोरर। तो हम निकल पड़े हैं वियतनाम की गलियों में, और अगर मैंने तुम्हें ना बताया हो तो इस होटल का नाम है लिटिल साइगोन बुटीक होटल, जैसा कि मेरे दोस्त ने कहा, और नीचे सारी डिटेल्स होंगी ही एज यूजुअल। यस, तो उसका okay. बड़ा ध्यान रखिए, और आओ चलो चले, ये होता है बिल्कुल अनप्लान ट्रिप, कुछ नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। वैसे हमें एक पता चली है, मार्केट है बेंथन मार्केट, जो यहाँ की बहुत फेमस मार्केट है, वहीं चल रहा है पैदल पैदल, 5 मिनट का रास्ता बस। इतना सही नहीं है, नहीं एक हो गया, एक बज रहे, और कल हमने रात को 9-10 बजे खाना। तो आओ कहाँ जाना बेटे? इधर चलो। तो जैसा कि मुझे ही गूगल मैप देखना पड़ेगा, क्योंकि सोनिया को गूगल मैप में ही चलाना आता। तो तू एक काम कर, कैमरा पकड़ ले प्लीज,
मैं देखता हूँ। oh God। और ये है सीधा सीधा। वाओ। ठीक है, आधा रास्ता में उल्टा आ गया। अरे बेटे सही है ना, ये सीधा जा रहा है। अरे यार आज हम वियतनाम अच्छे से सोनिया की वजह से ही देख पाएंगे, क्योंकि ये हमें हर गलियां घुमाएगी। Okay. हम इंडिया में हो या कहीं पे भी हो, मन्नी को मैं मार्केटों में घुसा ही लाऊंगी। और मुझे लगा था हम कुछ खाने जा रहे हैं, लेकिन ये मार्केट ऐसी है जहाँ पे सब कुछ कॉफी मिलता है ना, बिल्कुल हर कंपनी हर ब्रांड का मिलेगा। डिजाइनर मन्नी। हाँ, मतलब डिजाइनर चीज का कॉफी मिल जाएगा यहाँ पे। सब कुछ, शूज, हैंड बैग, कपड़े, सब। इससे सुन लो, आंखें से खुल गई है, चमक गई मेरी आंखें। सोनिया पूरा स्ट्रगल कर रही है, सबको नो नो वही कर रही है। मैं उसे आगे भेज रहा हूँ ताकि मुझे कुछ ना कहना पड़े। मैं कैमरा लेके खड़ा हुआ हूँ ताकि लोग मुझसे बात ही ना करें। ये तो कैमरा मैन है, इससे कौन बात करेगा। उन्हें बाय कर रहे हैं उधर को। हमें कितनी मस्त मार्केट के अंदर एक मार्केट है जहाँ पे खाना मिलता है, यहीं बैठ के खा सकते हो। अलग अलग स्टॉल्स बने हुए हैं और उन्होंने चेयर्स लगा रखी है छोटी छोटी। और मेरा दोस्त पता नहीं कहाँ गया, वो कहाँ रह गई, ये है क्या? वहाँ पे लिखा हुआ है बन व्यू हो, मुझे नहीं पता ये है क्या। 20,000 रुपये का, 20,000 वियतनाम इस डोंग का। तो हम खा रहे हैं बान बेओ होए, और ये है राइस केक विद श्रिम्स। ओके, खा के दिखा। कैसा लगा? अच्छा अच्छा अच्छा, अलग है, राइस नहीं लग रहा मेरे को। पागल तूने बना दिया हमारा? नहीं नहीं नहीं, राइस है। मजाक। खाना खाने के बाद जो पसीना पसीना और हो गया ना, मैं इतना मिर्च वाला खाना था, लेकिन बहुत स्वाद था। सबकी प्लेटों में झाक झाक के देख रहे हैं, ऐसे फटाफट पैक कर रहे हैं, खिला रहे हैं, ऐसे मस्त। हाँ, मौसम पलटता फिर रहा है यहाँ पे। हाँ, कभी धूप आ रही है, कभी एकदम से बादल आके ऐसे हवा कर रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई है। ज़्यादा नहीं बोलेंगे, चेंज हो जाएगा। How are you today? I am good. Where are you from? India. I am Delhi. Delhi? You are from Delhi? I am from Delhi. I am joking. भैया लाइन मार रहे थे मेरे पे। भैया लाइन नहीं मार रहे थे, भैया कह रहे थे तू बड़ा लकी है, तेरी गर्लफ्रेंड इतनी पतली और सुंदर है, नहीं तो जो मोटी लड़कियाँ होती है वो लाफिंग बुद्धा जैसी लगती हैं। तो मतलब वो ऐसा कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा था। इतनी देर हम यहाँ पे घूम रहे हैं इस मार्केट के अंदर बाहर, अब ये थोड़ा बहुत मुझे पालिका बाजार जैसी वाइब दे रहा है। कर दी ना फिर वही वाली बात, इतने पैसे खर्चने के बाद इसे पालिका लग रहा है। नहीं पता क्या होता है, नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, कंपैरिजन आ जाता है। नहीं फोर्स करोगे ना वो तब भी माइंड में आता है, वो नहीं लग रहा ऑब्वियसली, बट वो होता है। मेरे को नहीं समझ आया। वो देख वहाँ पे बाहर का खाना है कुछ आ जाए बाहर के। हाँ मतलब लोकल खाना है। कोकोनट ड्रिंक हमने थाईलैंड में पी थी, और इसको देखते ही मेरे को होपफुली वैसी वाली बने, मन कर गया पीने का। भाई साहब थोड़ा सा नमकीन टेस्ट है इसका मन्नी, मीठा है बट हल्का नमक टेस्ट भी आ रहा है आफ्टर टेस्ट। ठीक है, अलग ही कुछ है। मुझे तो बढ़िया लग रहा है, अलग है ऑब्वियसली, अलग जगह का अलग ही नारियल लगता है। बहुत पानी है इसमें, खत्म ही नहीं हो रहा। पी मेरे को लग रहा है दो जोड़ के बनाए हैं। हाँ नहीं नहीं उन्होंने हमारे हाथ में कैमरा देखा और वो पूछ रहे आप यूट्यूबर है, हमने कहा अरे हाँ पेशा ही हमारा वो है, पेशा हमारा वो है, पेशा ही तो है हमारा यूट्यूब की तो है। ओके, सब्सक्राइब को वियतनामीज में बोलते हैं डैंग की, डैंग की वो लिखा आ रहा है सब्सक्राइब वाले की जगह। ये ले 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 तेरी फोटो, अब चल फोटो भी लेनी है साथ में। यार कितनी सही है, मैं हमेशा ना इंस्टाग्राम पे सबको देखती हूँ, मेरे को लगता है मेरा कब ऐसे समर बनेगा। मस्त लग रहा, थैंक यू। कहना भी चाहिए, खत्म कब होगा ये बहुत बड़ा नारियल है मैं बता रही हूँ। बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है, और कुछ खाने को भी मंगवाया है, स्प्रिंग रोल टाइप मंगवाया है, यहाँ के स्प्रिंग रोल पतली सी शीट में वाले जो आते हैं मैदा वाले स्प्रिंग रोल नहीं, थोड़े अलग राइस नूडल में जो बनते हैं वो वाले स्प्रिंग रोल। मैं अंदर आ गया था ये क्या, क्योंकि मेरे को एक बार वीडियो शूट करनी है खाने की, लेकिन मैं एक्चुअली मैं देखना चाहता था जो मैंने मंगवाया वो ही है ना, कभी कुछ और तो नहीं दे रहे, लेकिन वो ही है। तो हमें दिया है चिकन स्प्रिंग रोल
जिसके अंदर पत्ता स्प्रिंग रोल और ये सब है। मस्त प्यारा डॉगी। इसके साथ खाना है इन्होंने, ये भी तो दिया मस्त चटनी। ऐसा मुँह चिपक जाएगा ना तेरा, ये खा के देख। ये इतनी सारी सॉसेस है हमारे पास। स्मेलियस्ट फ्रूट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का स्मेलियस्ट फ्रूट। लेकिन खाने में टेस्टी है, लेकिन वैसे बदबूदार है। मैंने खाया नहीं कभी, मेरे पास टॉफी पड़ी है इसके, हम थाईलैंड से लेके आए थे, हमने खा नहीं पाया, किसी को भी खिलाई उसकी हालत ख़राब हो गई। बट फ्रूट खाता है वो। हाउ मच भैया हमें पीस नहीं दे रहे थे, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। मैं भगा भी दिया था यहाँ से, वो बोल रहे थे ऐसे। तो कोई नहीं, ऐसे कर ही देते हैं। बट ठीक है, बट ऑब्वियसली हम 1 किलो का फ्रूट लेके कहाँ रखे थे उसे। तो कोई बात नहीं, फूड ना वेस्ट करने से अच्छा है, नहीं फूड वेस्ट करने से अच्छा है मत खाओ। खाने को पीने को सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, लोकल बहुत सब कुछ मिल रहा है गलियों में। गलियों में क्या, यहाँ हर जगह पे मिल जाएगा। छोटी छोटी पटरी लगा रखी है और छोटी छोटी चेयर्स लगा रखी हैं। हम आए हैं सुपर मार्केट और वहाँ पर मिल गई है हमें बिया। ये वाली पीनी थी मेरे को साइगोन, मतलब यहाँ की बिया। हम बिल्कुल सड़क के बीचों बीच है क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन एरिया है, यहाँ कोई गाड़ी नहीं है, वहाँ गाड़ी है और उधर गाड़ी है। ठीक है, हमारा इतना भारी है, मेरे आर्म्स बन जाएंगे। ले ले। ये देखो, हम मॉल छोड़ के एक ऐसी मार्केट में आ गए हैं, ये उससे भी बढ़िया है। और ये मॉल के सामने ही है। मॉल के सामने ही है, मॉल का धंधा कम करा रखा है इसने। यस, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। आइए आइए आइए। मैं जीत गई। जीत गई। हमने सरोजनी वाली ट्रिक अपनाई, पहले हमने उन्होंने अपना प्राइस दिया, फिर मैंने अपना प्राइस दिया, उन्होंने कहा नहीं मैं आगे चली गई, फिर उन्होंने वापस बुलाया, उन्होंने दे दी। देखा, दिल्ली वाली लड़की है। वो कितने में दे रहे थे ओरिजिनल, कितना, 450 बोला था उन्होंने और मैंने 150 में लिया, मतलब 4.5 लाख डोंग में बोल रहे थे, मैंने 1.5 लाख डोंग में लिया। तो 1.5 लाख डोंग होते कितने, 500 रुपये समथिंग। तो हम जैसे ही घर पहुंचे बारिश हो गई। अब इतनी तेज धूप हो रही थी और अब एकदम से बारिश हो गई, लेकिन कोई नहीं, अच्छा है, नहीं तो कैमरा भी गीला हो जाता। लेकिन उसका भी हम जुगाड़ करके लेके आए थे, लेकिन कोई नहीं। छाता लेकर आए हैं। छाता लेकर आए, लेकिन बताना नहीं था, अभी बाद में दिखाते। लेकिन कोई नहीं, अभी थोड़ी सी बारिश कम हो जाएगी तो हम जाएंगे भी। अभी तो मेरा मन कर रहा है अभी निकल लो यार, इतनी मस्त ठंडा मौसम हो गया एकदम से, बहुत ही बढ़िया मौसम हो गया। तो काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद हमें लगा कि बारिश कम हो जाएगी, लेकिन बारिश तो और बढ़ गई। तो हम कहाँ रुकने वाले हैं, हम चल पड़े अपना छाता लेके। तो हमने दो दो छाते मांग लिए। मन्नी का इतना जॉइंट अम्ब्रेला है भाई साहब, चाहिए भी, मेरे पास तो एक बैग भी है ना। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारा पीछा करते हैं। चल चल तू आगे चल। ओ गली कितनी सुंदर लग रही है यार बारिश में। हम होटल की चप्पल पहन के आ गए हैं और भी लोग चेक इन कर रहे थे, वो हमसे पूछ रहे थे कि वेरी नाइस स्लीपर्स कहाँ से ली, हमने कहा ऊपर जा रूम में तुम्हें भी मिलेगी। इतनी ज़्यादा टेढ़ी बारिश चल रही है ना, सब कुछ गीला होने का डर लग रहा है। मैं तो अपना बैग भी रख के आया हूँ, तब भी कैमरे का डर लग रहा है। ओके, आउटसाइड डेट ये, और वो भी बारिश के साथ, मज़ा आ गया। हम मंगा रहे ग्रीन चिकन करी विद राइस, मुझे नहीं पता था, यही मंगा रही है जो मंगा रही है, मैं तो बस खाऊंगा और मैं मजे लूंगा। ये है चिकन विंग्स वियतनामी स्टाइल। फाइनली खाना खाने के बाद बारिश हो गई है रुक, और अब हम चलते हैं दूसरी जगह पे, देखते हैं वो क्या जगह है। आओ चले 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 चलो चले, तो मैं कभी बोल ही नहीं पाता, चले चले बोलता हूँ, चलो चली। बारिश हो गई, बारिश नहीं हुई, वो टंकी लीक कर रही है इनकी। ओह माय गॉड, हर जगह पानी भरा हुआ है, मैं सड़क पे चलना पड़ रहा है, पर ठीक है मैं नहीं देखती। मस्त लग रही है, ऐसे करवाइयो तो अपनी कार को। तो हम आ गए हैं बुए बिया स्ट्रीट, ये है नाइट लाइफ के लिए सबसे बेहतर स्ट्रीट, ये मुझे नहीं पता, ये मेरे को बताया गया है, तो हमने सोचा हम भी यहीं आ जाते हैं।
out your frustration. Just say a word. Keep on staring at the pavement. God knows who hurt. तो अपनी सस्ती बियर ले ली है, नहीं तो क्लब में बहुत महंगी मिल रही है। वैसे यहाँ पे सुपरमार्केट में सिर्फ 40-50 रुपए की मिलती है। सब कहते हैं ना कि हम जब भी बाहर आते हैं सब ऐसे सी फूड नॉन वेज वगैरह दिखाते रहते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट्स भी है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ एक ही मिला है मेरे को अभी तक। नमस्ते इंडिया। नमस्ते इंडिया। हम आए हैं फुट मसाज करवाने, मन्नी अभी वॉशरूम से आ रहे हैं, उन्होंने मेरा प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया है। हाँ, टायरिंग डे के बाद इतना रिलैक्सिंग और तो बनता ही है। तो हम आ गए हैं एक छोटी सी गली में। हाँ, मैंने बता दिया। ओके, तूने बता दिया तो फिर कोई बताने की बात नहीं है।